ऑफर्ड मी ये है सैलरी, आई विल गिव यू दिस दिस अमाउंट ऑफ सैलरी. तो मैंने बोला ओके, मतलब सिर्फ ओके ओके में हम लोग बात वगैरह हो गए थे. तो ये अमाउंट मैंने जाके अनुज को दिखाया. अनुज को बोला भाई ऐसा ऐसा सीन है एंड आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेरे को माई में मिलता था इट वॉज जो डबल मिलता था, मतलब सामूरे ने जो ऑफर किया था वो माई से डबल मिलता था. तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में आया कि ये सब इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद आई एम गेटिंग अ बेटर ऑफर, तो आई वुड ऑब्वियसली थिंक अबाउट इट करके. तो मैं गया अनुज के पास, गया उसको बोला ये सीन हुआ है. फिर अनुज ने जाके अन्ना को बोला कि एक्चुअली को ऐसा ऐसा ऑफर है, क्या करना चाहिए करके. तो फिर अन्ना का ये फाइनल डिसीजन था, फाइनल इन द सेंस मतलब अन्ना का इस पर भी काउंटर था कि आई मैच योर सैलरी करके. तभी मैंने बोला वापस सामूरे में से जिसका मेरे को फोन आया था उसको मैंने बोला आई एम रियली सॉरी, इतने टाइम से हम लोग एक साथ है, इतना हम लोग ने मेहनत किया, इतना सीनर्जी है हम लोग की टीम में, मैं नहीं ले सकता ऑफर करके. तो फर्स्ट स्टोरी क्लियर, मैंने सामूरे को सीधा मना कर दिया क्योंकि आई वॉज थिंकिंग ऑफ स्टिकिंग टू माई ओल्ड टीम, माई जो थे अनुज एस वगैरह ये लोग. बट ये जो पूरा अभी सीनरियो बोला मैंने उसमें जब भी मेरे को ऑफर आया तभी टीम में से और दो लोग की सैलरी सेम मेरी मेरे लेवल मतलब मैच हुई, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स जो भी वो लोग है वो. फिर ये टॉपिक खत्म होता है. ये फिर आते वापस दो दिन के बाद, मतलब परसों परसों वापस मेरे को सामूरे वाले का फ़ोन है, बोला ऐसा ऐसा है करके. एंड मैं वापस मतलब सोचना मतलब सोच में लग गया सैलरी, मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा ऑफर वगैरह कर रहे थे. बट तभी मेरे दिमाग में था कि नहीं मैंने अभी भी किया है, फेथ है टीम में. बट भरोसा था, मतलब इंडियन भरोसा था, कुत्ते भरोसा था जो इतना टाइम से मेहनत करके आए हो, एंड टीम पे भी भरोसा था. बट फिर बाद में यही सोचा मेरा कि एक राइट गेम्स अभी ऑफिशियली इन्वॉल्व होगी इंडिया में, जब भी वो लोग स्टार्ट करते हैं ये लोग सब टूर्नामेंट्स वगैरह करना, तो वो लोग पूरा प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या क्या प्लेयर्स का बैकिंग है, क्या ऑर्क्स मतलब ओनर क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, सब पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है राइट गेम्स का. तो उसमें मैंने वापस सोचा कि मेरे को एक्चुअल में डर था कि आगे जाके वापस कुछ हो ना जाए मतलब मेरे गेमिंग करियर को, क्योंकि राइट का डिसीजन अभी तक आया नहीं था. एंड पर्सनली मेरे को वेट नहीं करना था तब तक कि जब तक राइट का डिसीजन ना आए, जब तक राइट का डिसीजन आए. तो मैंने फिर वही सेम मैंने अनुज को मतलब ये लोगों को वापस बोला कि ऐसा ऐसा है करके, एंड आई हैव मेड अप माय माइंड आई एम लीविंग करके, मैं जा रहा हूँ. तो जो तुम लोगों को स्टोरीज वगैरह देखने मिल रहे हैं कि वी आर रियली शॉक्ड, तो ऐसा कुछ नहीं है, शॉकिंग न्यूज़ वगैरह कुछ नहीं है. मेरी टीम को भी पता था, मेरे मैनेजर को पता था, टीम ओनर को पता था कि एक हफ्ते पहले सेम चीज़ हुई थी, एंड कल भी मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था. तो आई डोंट थिंक वो लोग शॉक हुए रहेंगे ये इससे. एंड मेरे को पर्सनली लगता नहीं मैंने कुछ ऐसा लिमिट्स वगैरह कुछ क्रॉस किया, क्योंकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैंने भी मतलब जो कॉन्टैक्ट था मेरे घर पे लॉयर से मतलब मेरे फैमिली लॉयर से उनको मैंने दिखाया कि ऐसा ऐसा है करके, एंड दे वर लाइक तू अगर तेरा डिसीजन तूने बना लिया तो तू कुछ इलीगली कर नहीं रहा फिलहाल, तो अभी जो भी हो वो लोग ने बोला वो लोग लीगल एक्शन लेंगे मेरे पे, अप टू देम. तो सामुराई वाले एंड टीम आई दोनों आपस में जो भी देख लेंगे. मैं सिर्फ अपना मतलब नॉर्मल फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, व्हाट आई फेल्ट वाज राइट, एंड कुछ रिग्रेट्स नहीं मेरे को ये जो किया मैंने अभी उस पर, कुछ रिग्रेट्स नहीं है. और एक और मेन चीज़ था जो बहुत एक्चुअली स्केरी था मेरे लिए पर्सनली, अभी तीन चार दिन पहले एक VCT का टूर्नामेंट अनाउंस हुआ था, जो एक्चुअली हाँ VCT का टूर्नामेंट अनाउंस हुआ था. एंड मी बीइंग अ प्रोफेशनल वैलोरेंट प्लेयर, मेरा एक ही सपना है कि इंडिया का नाम मैं रोशन करूँ, वो टूर्नामेंट्स मेरे को खेलना है राइट ऑफिशियल इवेंट्स. एंड ये सब इंसिडेंट के बाद अन्ना का जो इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से मेरा स्लॉट ना चले जाए, मतलब मेरी टीम मेरे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं पहले डिसीजन क्यों नहीं लिया करके. तो एंड उसके बाद एक और जो न्यूज़ आती है, जो अभी रिसेंटली एक मैप आया ब्रीज का, तो उसमें मैं नाम नहीं लूँगा, माई की माई का कंटेंट क्रिएटर उसको मतलब निकल दिया था जस्ट बिकॉज ही और शी इज अ पार्ट ऑफ कंटेंट क्रिएटर ऑफ टीम माई. तो और मैं सोच में बोला कि सीरियस है बहुत करके. एंड वैसे जब ये नॉर्मली सीन चालू था तभी बहुत सारे ब्रांड्स भी थे जो मतलब ऑलमोस्ट 99% डील डन था वो लोग का. एंड ये सीन होने के बाद वो लोग ने बैकआउट किया, ब्रांड्स का नाम भी ले नहीं सकता मैं इधर, ना ही मेरे को लेना है ब्रांड्स का नाम. एंड इतना ही है फिलहाल. एंड या ये मेरा अभी ये मेरा बैक स्टोरी है.